आप लीजिए। कॉलेज में बने मतदान केंद्र में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पोलिंग बूथ संख्या 240 में अपना वोट डाला, साथ ही मतदान सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी खींची। मैं लोगों से कहूंगा कि लोग वोट डालने के लिए जरूर निकले। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे द्वारा दिया गया वोट हमारी सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब वोट विचारों के साथ करें, वोट इस बात को लेकर करें कि देश की प्रगति किसके हाथ में, वोट इस बात को लेकर करें कि विगत 10 वर्षों के अंतर्गत देश ने कहां पहुंचा। आज वोट इस बात को लेकर करें कि पहले अगर त्यौहार होते थे, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी का त्यौहार, पहले त्यौहार होता था तो लोग टेंशन में हो जाते थे कि त्यौहार आ रहा है। अब लोग खुशी के साथ त्यौहार मनाते हैं। पहले त्यौहार होता था तो किसी को दूसरे रूट पर ना जाने के लिए ट्रक लगाने पड़ते थे, अब रस्सी भी नहीं लगती। सब लोग अपने आप अच्छे तरीके से शांति से अपना त्यौहार मनाते हैं। आज इस बात के लिए है कि पहले मेरी माँ, मेरी बहन, बेटी रात को अंधेरा होने के बाद घर से निकल नहीं सकती थी, आज निश्चिंत चलती है। किसी की हिम्मत और किसी के साहस नहीं हो सकती कि उसके साथ कोई बदतमीजी करे, और कोई करता है उसको कितनी सख्त सजा मिलती है हम सबको मालूम है। आज इस सारी की सारी बातों के लिए मैं इस बात को छोटी सी बात कहता हूँ कि पहले बत्ती आती नहीं थी, अब जाती नहीं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना चाहिए, और आपका वोट भारत के भविष्य के लिए वोट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि 5 साल हमें वोट दो, हम 5 साल में ये करेंगे। 5 साल में जो करेंगे, भारत की आज़ादी के 100 वर्ष के आज़ादी का जिस समय हम समय मनाएंगे, वैसे भारत कैसा होगा, इस स्वराज का वोट है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए घर से निकल कर जरूर वोट। अब देखिए, लोगों को ये निवेदन है, लोगों को जागरूक बनना चाहिए, लोगों से अपील है कि जागरूक बने, घर से निकले। कभी कभी लोग कहते हैं कि धूप है, तो मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अप्रैल, मई, जून, जुलाई में घर से ना निकला हो धूप के कारण, घर में बैठा रहो, उससे ज़रूर निवेदन है कि वो घर पे बैठे। लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो आप अपने भविष्य के लिए निकलते हैं, और वोट आपका मताधिकार है, आपका अधिकार है। लोकतंत्र में आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने द्वारा, अपने वोट के द्वारा उसको चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से वोट डालने के लिए निकलेंगे। भैया योगदान कितने थे? कल्याणपुर से विधायक नीलिमा कटियार ने डॉक्टर वीरेन स्वरूप एजुकेशन सेंटर में अपना वोट डाला है। देखिए, स्पष्ट है, और आपके इस चैनल के माध्यम से इस समय मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना कर्तव्य निभाएं, अपना राष्ट्र धर्म निभाएं, और विकसित भारत के लिए जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प के साथ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान केंद्रों पर आकर अपना वोट देने का काम राष्ट्र हित में, विकास हित में ये करने का काम करें। बीजेपी का लहर है कि राहुल गांधी का तूफान मतदाताओं का क्या रुझान दे? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये देश पहले 2014 के अंदर आशान्वित था, 2019 के अंदर आश्वस्त हुआ, और आज पूरा देश पूरे विश्वास के साथ मोदी जी के पीछे, जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, संकल्पबद्ध होकर देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है, और यही नज़ारा हर एक मतदान केंद्र पर पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सुनामी है, ये कोई लहर और कोई वेग नहीं है, जैसा कह रहे हैं कि ये सुनामी है मोदी जी के पीछे, और वही 4 जून को पूरे देश के सामने आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 13 मई को मतदान जागरूकता यात्रा है, और ढोल, ताशे, मजीरा, शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए लोगों को मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से निकलने की अपील करते हुए मतदान हेतु जागरूकता के नारे लगाते हुए गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी और 13 मई 2024 दिन सोमवार को ठीक प्रातः 7 बजे अपने पूरे परिवार के साथ अपने आवास नीचे चौराहा नवीन नगर कागादेव से निकलकर अपने परिवार और प्रथम बार वोट देने वाले मतदाता नौजवानों के साथ जुलूस की शक्ल में पैदा चलकर अपना वोट दे
लेने गए। विधायक जी अपने पोलिंग सेंटर कानपुर पब्लिक इंटर कॉलेज डबल पुलिया और काकादेव के बूथ नंबर 22 पर पहुंचे और मतदान किया। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, आह्वान किया कि हम इस महापर्व को उत्सव के रूप में मनाएंगे, तो मैं अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र में ये जिस प्रकार का मतदाता जागरूकता अभियान सवेरे से ही निकाला हुआ है, जिसका हमें ये लाभ मिला कि जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं वो नौजवान लड़के लड़कियां भी घरों से निकले हैं, हमारे साथ चले हैं और इस पोलिंग स्टेशन तक और अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक भी पहुंचे हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, सशक्त भारत के निर्माण के लिए और विकसित भारत के लिए अपना वोट अवश्य करें, घरों से निकलें और वोट डालें। हम कानपुर के मत के प्रतिशत को हर हाल में बढ़ा के मानेंगे। आज के दिन ये कहेंगे कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट जम के पड़ रहा है। आदमी, आम जनता त्रस्त है और राजा मस्त है। महंगाई का इतना ज़्यादा प्रभाव है, बेरोजगारी में किसी को सरकारी नौकरी मिली नहीं और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। हमारे राहुल गांधी जी की गारंटी है कि जो बेरोजगार है उसको 1,00,000 रुपये सालाना मिलेगा जब तक वो बेरोजगार है, और जो महिला जिसको भरण पोषण में दिक्कत है उसको 1,00,000 रुपये सालाना घर चलाने के लिए मिलेगा, 50% रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को। तो बेरोजगारी का तो ये इलाज है, और 30,00,000 सरकारी नौकरियां पहले साल में सरकारी नौकरियां, उसके साथ जो भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड पे हुआ है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि ये जो माफ़ किया गया है ना कर्जा, 2,00,000,000,000 रुपया अमीरों का, उनसे वसूला जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रजातंत्र का पर्व है, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से आएँ और मतदान करें और इसमें हिस्सा लें। आलम जी, अभी 22% हो चुकी वोटिंग, इसमें आप क्या देखते हैं? आप अभी कुछ बूथों पे होके आए होंगे, क्या देखिए, थोड़ी गर्मी है, आदमी आराम से निकलता है, आप जानते हो सुबह का समय है, थोड़ा आराम से उठेगा, वोट जम के पड़ेगा। भाई अपना भी वोट डाला और हमने कानपुर के सम्मानित मतदाताओं से अपील की कि सभी लोग निकलें और वोट करें, और इस बार कानपुर का नाम हमें सर्वाधिक मतदान करने वाले ज़िलों में रखना है। अधिक से अधिक लोग वोट करें, और अभी तक जो फिगर है उसमें शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और पूरे जनपद का जो एवरेज है वो 23.43% है, पूरे जनपद का ओवरऑल जो परसेंटेज है 11 बजे का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कानपुर अपना पिछला रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा।